हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ज़ोया मोनिस व्लॉग्स। तो जी आज है 22 मार्च और मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। तो इस वक्त बज रहे हैं 11:30। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कॉलेज क्यों जा रही हूँ। तो जी मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में पास किया था, क्लियर किया था, और उसके बाद मैं गई थी एक दो बार कॉलेज अपनी मार्कशीट लेने, बट उस टाइम मुझे मिली नहीं और फिर मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। और अब 2023 चल रहा है तो मैंने सोचा अब ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, जाके ले आना चाहिए। तो आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज और साथ में मेरी फ्रेंड भी आ रही है, मेरी बेस्टी। तो उससे मेरी दोस्ती को लमसम 10 या 11 साल हो गए माशाल्लाह से। तो मैं उससे भी आपको मिलवाऊंगी अगर उसने कैमरा फेस किया तो, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट मैं उससे आपको मिलवाऊंगी। तो जी ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैं पहन रही हूँ। तो आइए अब चलते हैं वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, 11:30 बज चुका है। तो लेट्स गो। तो अब हम अपने कॉलेज में आ चुके हैं। अभी कहीं दद्दू फिर तो नमस्ते कहिए जनाब। और बताइए ठीक है? देखिए बहुत दिनों बाद देखे। अरे हाँ हम तो आते रहते हैं, खुद ही गायब रहती है। हम लोग क्या पढ़ाई हो चुकी है देख ली। तो ये है हमारे कॉलेज का गार्डन एरिया और यहाँ पे हम लोग की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कितनी सारी? बहुत सारी। तुम्हारी तरफ कैमरा करें? नहीं मास्क लगा के, मास्क लगा तो कर सकती हो। हाँ जब मास्क लगाएंगे। आओ इधर से आओ, ऊपर चले, पूरा राउंड लगा लें। बेटा इसी में पूरी वीडियो खत्म कर देती हूँ। खाना बनाना स्टार्ट। ये है हमारा कैमरा तो ये है हमारी बेस्टी। इसको अभी हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि इसने मास्क नहीं लगाया और मास्क तो मैंने भी नहीं लगाया, बट कोई बात नहीं, बाद में अभी दिखाएंगे। तो इस गैलरी से हम लोग की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे 6th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, 6th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं और यहीं पे बैठे रहते थे हम, अनम उज़मा, हम लोग का 3 ग्रुप था। और आज काफ़ी यहाँ पे सन्नाटा है। कॉलेज बंद तो नहीं है क्या? तो लड़कियाँ क्यों नहीं दिख रही? हमको लग रहा है बहुत कम हो गया यार कॉलेज में लड़कियाँ। और ये हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग, आज की लंबी वीडियो क्यों? नीम का पेड़, नीम का है ना। यहाँ से भी, यहाँ तो खैर हम लोग की ज़्यादा यादें नहीं जुड़ी हैं क्योंकि ये अभी अभी नया बना है, बना था 2-3 सालों पहले। तो यहाँ हम लोग इतना नहीं रहते थे, ये डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपनी क्लास अटेंड करने आते थे और क्लास अटेंड कम करते थे, हम लोग खिलवाड़ ज़्यादा करते थे, हम अनम और उज़्मा। उज़्मा हम लोग के ग्रुप की सबसे शैतान लड़की है, वो आई नहीं आज। तो हम लोग के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, अब तो यहाँ पे लड़कियाँ मुझे लग रहा है रह ही नहीं गई हैं। और ये है वो दरवाज़ा, गौर से देखिए इस दरवाजे को, इस दरवाज़े पे 3 लोगों की जगह होती थी और यहाँ पे हम अनम उज़्मा बैठते थे और बैठ के कलाकारियाँ करते रहते थे। अबे अनम झाड़ दो भाई। तुम स्कूल टाइम पे हम लोग ने बहुत ऐवी पने किए ना, सबसे ज़्यादा उज़्मा ने किए यार।
हम लोग यहाँ पर बैठते थे लंच टाइम में, लंच टाइम के बाद भी हम लोग बैठे रहते थे। और सबसे मेन बात, हम लोग ने क्लासेस बहुत बंक की हैं। बंक करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कॉलेज के बाहर घूमे फिरे, बंक करने का मतलब ये कि लंच होता था और हम लोग यहाँ बैठे रहते थे और क्लास अटेंड नहीं करते, तो उधर क्लासेस चला करती थी। लेकिन हम लोग पास हो गए तब भी, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कभी फेल नहीं हुए किसी भी सब्जेक्ट में, क्लासेस बंक करने के बावजूद भी। है हमारी लाइब्रेरी कॉलेज की और यहाँ से हम मार्कशीट अपनी लेंगे जी। मार्कशीट हमारी मिल गई है और ये है हमारा डिग्री कॉलेज की गैलरी। यहाँ पे क्लासेस हैं बहुत सारे और ये हमारा स्कूल है और ये स्कूल का हॉल। तो यहाँ पे हम लोग सिक्स क्लास से पढ़ रहे हैं और जब मैं यहाँ पे सिक्स क्लास में आई थी तो ये मुझे इतना बड़ा लगा था, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, अनम भी तो मेरी फ्रेंड नहीं थी। ये आती थी कॉलेज, मैं इसको देखती थी और उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई और माशाल्लाह से फ्रेंडशिप को हमारे 10-11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी ये फ्रेंडशिप लाइफ टाइम बनी रहेगी इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे हमारे स्कूल की प्रेयर होती है और ये पूरा हॉल और ये सब नीचे हाई स्कूल वगैरह के क्लासरूम्स हैं। और ये है हमारा सितार रूम, यहाँ पे मैं सितार सीखती थी। अनम कुछ बोलो। तो जी मार्कशीट हम लोग ने ले ली है और अब हम लोग जा रहे हैं जेड स्क्वायर और क्योंकि वो शायद वहीं पे मिलेंगे या तो हाँ वहीं पे मिलेंगे कह रहे अपने, तुमको भी बैठा के छोड़ेंगे पहले पटका पुर, फिर वहाँ घर आएंगे अपने। तो घर नहीं चलेंगे यार, माना करो फिर देर हो जाएगी ना। तो अब हम जा रहे हैं जेड स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे रुकना कोई फ़ायदे वाला है नहीं क्योंकि लड़कियाँ भी इतनी नहीं आई हैं, बहुत कम लड़कियाँ हैं, तो इसलिए हम लोग अब चलते हैं। कल से रमजान है ना? कल से कहाँ है? आज से तरावी स्टार्ट है। आज क्या तारीख है? 22? हाँ 24 है यार। 24 है। आप फोटो ले, ये बंद करो फोटो ले। अब हम लोग जा रहे हैं जेड स्क्वायर और देख लें इस औरत को। औरत नहीं, इस लड़की को देख ले, यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड, क्लास 6 से है। तो आइए अब चलते हैं। किस तरफ ले जा रही हो? इधर इधर चलना। तो जेड स्क्वायर हम लोग आ गए हैं। नहीं हो रही होगी उधर कहीं तुम्हारी ना, तो मुझे चालू करो, आवाज रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड होगी? बैग देखेंगे क्या ये लोग? जेड स्क्वायर हम लोग आ चुके हैं और अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है, शाम के टाइम यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। सीधा अपनी मंजिल पे चलें कि घूमोगे थोड़ा सा? घूमना क्या, कोई बदन फूट गया है जेड स्क्वायर तो सीधा ऊपर चलें? ऊपर नहीं। हाँ हमने कहा था चलिएगा,
करने लगता है, पैर पीछे कटने लगता है अगर नया पहना तो। तो जी हम लोग आए हैं एम किंग बर्गर, और मैगडी में भी हम लोग गए थे पर वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोग यहाँ पे एम किंग आ गए। और यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है बट उतनी नहीं है। तो जी हाँ, ऑर्डर हमारा आ चुका है और अब हम जाते हैं इसको एंजॉय करने। इसकी ज़रूरत है नहीं, अब तो वीडियो बनाओ इसके इसके बगैर बाहर नहीं निकलेगी। तो जी मैं क्या, कहाँ गए तुम लोग? एम किंग ना, बर्गर किंग हम लोग हो लिए हैं। और नाश्ता वाश्ता सुबह का हम लोग का हो गया क्योंकि मैं घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, बज रहा है 2:16, तो अब चलते हैं घर। तो जी हम लोग निकल आए हैं सिटी स्क्वायर के बाहर और अब जा रहे हैं घर। तो ये अम्मा का मुंह ढकने का तरीका देखिए, इनकी नाक खुली रहती है हमेशा। हाँ तो जी अब हम लोग जा रहे हैं घर, अनम को छोड़ दिया उसके घर और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अब अपने घर। चलिए गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए। तो जी मैं घर आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं गई थी स्कूल, और स्कूल मैं किस लिए गई थी, क्योंकि मुझे अपना सर्टिफिकेट लेना था और अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट देनी थी। और ट्रीट का है कि वो सब आप लोग को पता ही है, ट्रीट देनी थी मुझे उसको अपनी शादी की, तो वो मैंने उसको दे दी है। और मैं अब घर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी भी बहुत तेज़ होने लगी है, और जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहे हैं गर्मी तो होनी होनी है। तो बस अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने और उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम में। तो ये है शाम का टाइम, शाम का नहीं सॉरी रात का, और यहाँ पे कड़ी बनने की तैयारी हो रही है। और आज इतना ज़्यादा थकान हो गई है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि कॉलेज गई थी वहाँ पर राउंड लगाया, एक ही राउंड लगाया बट एक राउंड लगाने में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। और यहाँ पे आज बनेगी इसका मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। और इसके बाद बनानी है हमें रोटी चावल। पहले कड़ी तो बन जाए।
अच्छी कड़े की ग्रेवी मैंने यहाँ पे बघार दी है और ये अभी पकेगी थोड़ी देर तक। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ रोटी पकाने, तो अब ये कड़ी की ग्रेवी हो जाए फिर हम इसके अंदर फुलकियाँ तल के डालेंगे। तो आपसे मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। तो ये हमारा कड़ी का बघार यहाँ पे रेडी है, रेडी हो रहा है, रेडी है नहीं अभी, बाकी सब हमारा खाना रेडी हो गया। और आज मैं शाम से किचन गई थी, किचन में आई थी 7 बजे से और मुझे 9:30 होने वाला है। और ये है मंचूरियन, तो ये मेरी मम्मा ने मुझे बेचा है, मेरी अम्मा पप्पा ने। तो अभी मैं इसको खाऊंगी। और खाना जो है मुझे सुकून के साथ ही खाना अच्छा लगता है। तो मेरा जब काम किचन का फिनिश हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप है कड़ी का, तो जब ये फिनिश हो जाएगा तब मैं अपना मंचूरियन खाऊंगी।